कृतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्न करो में दे सर्वकार्य एक छोटा सा दृष्टांत हनुमान जी के लीला गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का पाठ लिखा है उसके महत्व पर प्रकाश डाल रहा हूँ। मेरे जीवन का अनुभूत ये किस्सा है, ये कहानी है, ये प्रत्यक्ष घटना है, मेरा अनुभव है जीवन का, जिसने मेरे हृदय की गहराइयों में बाबा के प्रति, बजरंग बली के प्रति जो आस्था है उसको बहुत गहरा कर दिया है। हमारे यहाँ बहुत नज़दीक एक यजमान जो कि प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं, बहुत भरा पूरा परिवार है, उनका एक बेटा अचानक घर से बिना कहे हुए चला गया रूठ कर। कुछ समय के बाद उसकी शादी रखी हुई थी, जब रूठ कर चला गया तो अब उस समय जिसका बेटा चला जाए उसको कितना दुख होता है ये उसी को पता है जिसके साथ ये दर्द गुजरा हो, जो इस पीड़ा से गुजर चुका वो। इस बारे में हमारे भारतवर्ष के प्रतिष्ठित संत ज्योतिषर में वो वास करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा इस समय, परम पूजनीय हृदय सम्राट हैं, संत हैं, तपो मूर्ति हैं, अलौकिक शक्ति, अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं, वो परिवार उनसे प्रभावित है, उनके शरण में गए। उन्होंने कहा कि भाई जाकर के 5 ब्राह्मणों को अपने घर में नियुक्ति कर दो, वो प्रत्येक ब्राह्मण 108 हनुमान चालीसा पाठ नित्य प्रति करे। अब वो यहाँ आकर के मेरे से संपर्क किया, क्योंकि उनके घर में लगातार पूजा पाठ का काम मैं करता था, तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप इस व्यवस्था को संभालें और 5 ब्राह्मणों को लेकर के आप पाठ करें। जिस दिन मेरा दायित्व लगाया गया उस दिन 2 दिन उस बच्चे को पहले से ही हो चुके थे, तो हमने 3rd दिन हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ किया और हृदय की गहराइयों से हम पाठ करते थे। मुझे पता है वो ब्राह्मण भी कितने भयभीत थे, भय के अंदर जो है भगवान का जो भजन है वो ज़्यादा होता है। 108 पाठ बोला गया था सभी ब्राह्मण, मेरे को याद है गिनती करके 125 से ज़्यादा पाठ करते थे। पाठ करके हम वहीं पर भोजन पाते थे, बड़ी मुश्किल स्थिति होती है ये, जहाँ सभी रो रहे हो, लग रहे हो, वहाँ भोजन पाए, लेकिन ब्राह्मण वृत्ति ऐसी है। तो जब पाठ
करते करते 2 दिन बीत गए। तीसरा दिन जब आया पाठ का, तीसरे दिन पाठ करके जब नीचे उतरते हैं और भोजन पा करके हम जब जाने लगते हैं, बच्चे की जो दादी माँ है उसने मेरे को संबोधन करते हुए कहा कि पंडित जी, अगर मेरे पोते को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें टक्कर मार के अपने प्राण त्याग दूंगी, मैं तुम्हारी छाती में टक्कर मार के अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी मेरे बेटे को कुछ। ये सुनकर के हृदय सन्न रह गए, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। अपने घर आ गया, मैं उसी समय से चिंतित हो गया। संसारिक प्राणी होने के नाते कि अगर इस बच्चे कुछ हो गया तो मैं शहर में कैसे अपनी शक्ल दिखाऊं, मैं क्या मुंह लेकर के रहूंगा। हम सभी पाठ कर रहे हैं उसकी कुशलता के लिए, तो आकर के बाबा के चरणों में दीपक लगाया और प्रार्थना की, हे बाबा, हे नाथों के नाथ, हे दया के सागर, आपको सभी जानते हैं, आप पावन पुत्र हैं, हे महाराज, अगर उस बच्चे का नुकसान होता है तो मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो 200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर जा करके और गुजारा कर लूँगा, मगर हे बाबा, अगर उसको कुछ हो गया आप कहाँ जाएंगे, आप सोचिए आपका क्या होगा। बाबा के चरणों फूट फूट करके मरे, फूट फूट करके मरे। श्याम की आरती हुई, श्याम की आरती होने के बाद रात में भी यही स्तुति करते हुए सब सो गए। अब सोना भी नहीं हो सकता ऐसी अवस्था में, आप सुन करके आश्चर्य मानेंगे। आमतौर पे मंदिर की जो घंटी है, मंदिर के खुलना 4 बजे होता है, उस दिन 3 बजे मंदिर की घंटी बजी और कोई ऐसा लगा द्वार पर कोई आया है। घंटी बजी तो द्वार पर जाकर के तुम दरबार खोला, पंडित जी बधाई हो, बधाई हो। बोले बेटा आ गया है, घर में आ गया है, तो बेटा आ गया है, मिठाई लेकर के। मैंने बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, हे बाबा आपने लाज रख ली, हे बाबा आपकी बड़ी परम कृपा, आपकी बड़ी परम कृपा। ये मेरे जीवन का अनुभूत है, जीवन की एक घटना है जिसने मेरे जीवन को एक दिशा दी कि निश्चित रूप से भक्ति में शक्ति। बच्चे से पूछा गया तो बताया कि वो हरिद्वार में लक्ष्मण झूला से अपने प्राण देना चाहता था कूद कर, लेकिन वहां से जल से हनुमान जी दिखाई देते हैं कि अरे बच्चे जाओ, तो अपने घर में आदेश सुन करके उधर आए। तो मान्य महानुभाव जो भी हनुमान जी का जो 40 पाठ करते हैं निश्चित रूप से उनको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग।